Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुजरात के सूरत से 12 मई को हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेन से 167 यात्रियों के लापता होने पर जिलाधिकारी हरिद्वार जांच के बाद चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 मई को सूरत से स्पेशल ट्रेन हरिद्वार के लिए चली थी और इस ट्रेन में लगभग 1340 लोग सवार थे। इन लोगों की एक सूची भी हरिद्वार प्रशासन को सूरत प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, मगर जब यह स्पेशल ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची तो इसमें हरिद्वार पहुंचे यात्रियों की प्रशासन द्वारा गिनती की गई। गिनती करने पर मात्र 1173 लोग ही हरिद्वार पहुंचे थे और इसमें से 167 लोग लापता हो गए थे, जिसके बाद हरिद्वार प्रशासन में हड़कंप मच गया था। अब इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। 167 लोगों के ट्रेन से लापता होने के मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी श्री रविशंकर का कहना है कि 12 मई को स्पेशल ट्रेन सूरत से हरिद्वार पहुंची थी। इस ट्रेन में कुल 1340 लोग सवार थे, मगर इनमें से 1173 लोग ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। 167 लोग कहां गए, यह जांच का विषय है। इस मामले में प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। सूरत प्रशासन से भी इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी पता गया जा रहा है कि 167 लोग ट्रेन पर सवार हुए थे या नहीं। अगर यह लोग सूरत से ट्रेन पर सवार हुए थे और रास्ते में कहीं लापता हो गए तो इस मामले में प्रशासन इन लोगों को चिन्हित करेगा और इन लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। प्रशासन द्वारा हरिद्वार में आने वाले प्रवासियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जाँच की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद सभी लोग को घर भेज दिया गया है। अगर यह लोग जानबूझकर लापता हुए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 167 लोग के ट्रेन से लापता होने पर हरिद्वार प्रशासन में हड़कंप मच गया था। अब इस मामले में प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और सूरत प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासनिक जाँच में क्या निकल कर आता है और कोरोना संक्रमण काल में लापता हुए इन 167 लोगों का प्रशासन कब तक पता लगा पाता है। जो जहां ऑरिजिन होता है वहां से जो है हमें एक सूची शेयर करते हैं कि कितने पैसेंजर्स उसमें आ रहे हैं। यहां आने के बाद जो है वो फिगर्स में जो है थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या वो वहां पे बोर्ड हुए थे या नहीं करके। अगर बोर्ड होने के बाद यहां लापता होते हैं तो फिर जो है उस पर जो है हमें जाँच करना पड़ेगा कि रास्ते में कहीं उतर तो नहीं गए हैं करके। मगर क्या है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो है वो पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद हम बताएंगे। क्योंकि बाकी सभी व्यक्तियों जो है यहाँ पे जो आते हैं उनको हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं, स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, उसमें जो है अगर लक्षण पाया जाता है फिर उनको आइसोलेट भी करते हैं। अगर जो है इस प्रकार का हमारा स्क्रीनिंग के मतलब ना होकर के अगर कोई बच जाता है फिर उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज करेंगे। मगर अभी जो है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है हम इस संबंध में कोई बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर कोई संक्रमित व्यक्ति इस प्रकार का लापता होता है वो जो है केवल उनके लिए नहीं बाकी सभी के लिए जो है खतरनाक हो सकता है। इसमें जो है अगर ये कोऑपरेट नहीं करते फिर जो है उनके खिलाफ मुकदमा और सख्ती से कार्रवाई करेंगे।